सतनाम जीवाहे गुरु साहिब। तुदिया गे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई ना न जाने मेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई ना ना जाने मेरा। ऊंचे अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गावते उधरे सुनते उधरे बिन से पा पकने रे। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सताने, संत हमारा गहना। गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी पाओ भगत नहीं सादी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आल सच, जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत, उनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है पी सच, नानक नानक होसी पी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ
निर्वैराल मूर्त अयुनि सैभंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी गुर प्रसाद जप आद साद सच जुगाद सच है पी सच नासी पी सच ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। कीर्तन विच उस्तद विच बाणी विच मन जागदा रवे ओ कम कर जिंदे नाल मैल ना लगे। बाबा जी ने नानक सर जो मर्यादा दा तुरवा बनिया है ते समत दित्ती है भाई तू मैल तो बचिया रहे काम दी क्रोध दी लोभ दी मोह दी हंकार दी गृहस्थ कुटुंब पलेटिया वासना भोगदा है ते काम दी मैल गुस्से करदा है ते क्रोध दी मैल लालच करता है तो लोभ की मैल सौ किश करजे तो मैल ना लागे। गृहस्थ परिवार विच फसदा है बच्चियां च मोह की मैल कुछ पा के हंकार करता है तो हंकार की मैल इन्हां दी गुरु साहब सानू पछाण कराई हुई है भोले नहीं असी बेसमझनी सानू समझ कराइए कि इन्हां चीज़ां नाल भाई मैल लगेगी। इस करके माया तो पदार्थां तो मोह तो जो भी नानक सर दा तुरवा बनिया है उन्हूं बचाया है कि इस मैल तो बचे ते नाम जपे आपदा जीवन सुधारे गुरु दे नाल जुड़े। नानक साहिब दी पवित्र धरती दे नानक साहिब दे आश्रम विच रहना ही वड़भागी जे तुहानूं रहण दा समां मिलदा ना ओही भाग वड्डी ते जे कोई करन दा समां मिल गया फिर सब तों वड्डे भाग गुरसिखां दे जो गुरचरणी सिख पढ़दियां फिर सारियां तों वड्डे भाग जे नानक सर ए बाबा जी दे स्थान आपां नूं मिल गए इत्थे रहना नसीब हो गया बड़ियां चीज़ां दे नालों आपां रहत हो गए टुट गए भगती मार्ग विच आ गए। हुण अगे करन दी लोड़ है किसे स्कूल यूनिवर्सिटी च दाखला मिलना बहुत वड्डी हुंदी फिर दाखला लैके उत्थे पढ़ाइयां करनियां दिन रात लाउणा यही प्राप्ति है दाखला इन्नी वड्डी प्राप्ति नहीं दाखला मिल गया बहुत कृपा हो गई। फिर इहो जे बण के
जिहो जी महापुरखां दी समाते तो उहो जे बण जोगियां च जांदी जांदे आ जोगियां वाला सारा कुछ करदे आ सन्यासी बनदे ते सन्यासी वाले कर्म धर्म करदे आ जे तू मां नानक सर आना ते नानक सर वाले कर्म धर्म कर तेरी सारी जय जयकार होएगी। इन्हां गुणां नूं ग्रहण कर इत्थे रह के उवें बन के महापुरशां दा नाम जप तैनूं वड्डियां भागां नाल संगत मिली है वड्डियां भागां नाल संगत गुरु नानक वाली बने संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां भरियो जी जरूर संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां भरियो जी जरूर मिलेगा मौका नी बार बार मिलेगा मौका नी बार बार संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां भरियो जी जरूर संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां भरियो जी जरूर मिलेगा मौका नी बार बार मिलेगा मौका नी बार बार संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां भरियो जी जरूर संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां भरियो जी जरूर जो तेरे दर ते आवे मुँह मंगिया मुरादा पावे हाजरी भरियो जी जरूर जो तेरे दर ते आवे मुँह मंगिया मुरादा पावे हाजरी भरियो संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां भरियो जी जरूर संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां भरियो जी जरूर धन गुरु नानक निरंकार जो भी आए तेरे आसा करियो जी पूर तन गुरु नानक निरंकार जो भी आए तेरे दरबार आसा करियो जी पूर गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां भरियो जी जरूर संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां भरियो जी जरूर मिलेगा मौका नी बार बार मिलेगा मौका नी बार बार संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां भरियो जी जरूर संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां भरियो जी जरूर मिलेगा मौका नी बार बार मिलेगा मौका नी बार बार संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां भरियो जी जरूर संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां भरियो जी जरूर मिलेगा मौका नी बार बार मिलेगा मौका नी बार बार संगत गुरु नानक वाली
कोई जाए ना खाली चोलियां परे ओ जी जरूर संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां परे ओ जी जरूर धन गुरु नानक निरंकार जो भी आए तेरे दरबार आसा करो जी पूर धन गुरु नानक निरंकार जो भी आए तेरे दरबार आसा करो जी पूर संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां परे ओ जी जरूर संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां परे ओ जी जरूर जो तेरे दर ते आवे मुँह मंगिया मुरादा पावे हाजरी भरे ओ जी जरूर जो तेरे दर ते आवे मुँह मंगिया मुरादा पावे हाजरी भरियो जी हरू संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां परियो जी जरूर संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां परे ओ जी जरूर मिलेगा मौका नी बार बार मिलेगा मौका नी बार बार संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां परे ओ जी जरूर संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां परे ओ जी जरूर मिलेगा मौका नी बार बार मिलेगा मौका नी बार बार संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां परे ओ जी जरूर संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां परे ओ जी जरूर मिलेगा मौका नी बार बार मिलेगा मौका नी बार बार संगत गुरु नानक वाली कोई जाए ना खाली चोलियां परे ओ जी जरूर संगत गुरु परे ओ जी जरूर चोलियां परे ओ जी जरूर गुरु नानक दे घर दी संगत गुरु नानक दे घर दी सेवा बहुत बड़ी हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई इस घर दी मैनू कोई सेवा मिल जावे हाँ मांगो तुझे दयाल कर दासां गोलिया मैं तेथों यही मंगदा कि मैनू अपना दास अपना गोला बना लवो आपदी सेवा बख्शो गुरु नानक साहब सेवा तो वड्डी कोई चीज नहीं जितने सुख संसार के सब सेवा के बीच उत्तम पदवियां पा गए सेवा करके नीच ये सेवा वड्डी है गुरु नानक दे घर दी गुरु नानक साहब दे चरण पए ने इस जगह ते गुरु नानक साहब जी ने इत्थे भगती कीती इस जगह दे जपजी साहब उचारिया ये सारा उन्हां दा प्रताप है जे संतां ने सीचे वाल वालिया ने सारी वेई की सफाई कीती है
कोई बंदा नहीं ये काम कर सकता, कोई पावर वाला भी नहीं, ये गुरु नानक साहब ने कराया। आखो जी ये उन्हां दी समर्था है, सेवा जिंदे तो मर्जी लै लैन। एक विजेतर सिंह छोटे जे कद वाले वाल गुरु साहब ने इशारा करता, हाथियों नाल टक्करा लाउण दी उहदे च समर्था आ गई, हाथी नाल मुकाबला करन दी। ਉਹ ਵੀ ਮਸਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੂਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਗਣੀ ਦੇ ਕੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਬਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਣਾ ਰਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗੜੇ। ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਝੰਡੀ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਘੁਲੇਗਾ ਜਾਂ ਢਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਾਮ, ਜੇ ਢਹਿ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਹੱਸਣ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਜਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ 500 ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਢਹਿ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਸਕੀਨੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਢਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੂੰ ਦਾ ਵਰਤੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਾਂਗਾ, ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਵੀ ਵਾਹ 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 ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਢਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਢਹਿ ਗਿਆ, ਵਾਹ 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 ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਭਲਵਾਨ 'ਤੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ 11ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਕਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਢਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣੇ।
बड़े बड़े हंकारिया बड़े बड़े हंकारी जन्म ही नहीं ले सकते हो, गर्भ विच ही गल जांदे आ जिहड़े वड्डे हंकारी ने। जिहड़े वड्डे हंकार वाले आ वो आपदे हंकार च ही हंकार आ सो मारिया, वो आपदे गर्भ विच ही गल जांदे ते सुखी बसे। फिर सारी अष्टपदी इस आधार ते लिखी जिमें श्लोक लिखिया, फिर सारी अष्टपदी अठे उस अष्टपदी के शब्द जड़े गुरु साहब ने इस प्रथाई लिखे हंकार ते निम्रता गरीबी वास्ते। सुखी बसे मस्कीनिया गुरु साहब अगे न्यों के निम्रता नाल गरीबी नाल सेवा कर, आकड़ा ते हंकार नाल कुछ बन के ना कर। गुरु साहब आंदे ते प्रसन्न प्रसन्न होंदे आ जिहड़ा गरीबी धारण करदा है। संगत गुरु नानक साहब दी विचों कोई भी खाली नहीं जांदा। सारे पढ़ो इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। इको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। ए गुरबाणी ए मूल मंत्र गुरु नानक देव जी सचखंड विचों लेके आए। ए जपजी साहिब दा पाठ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਚਾਰੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਧੂੜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਪਾਪ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਵੱਧਦੇ,
पाप घटते हैं, पाप उतरते हैं। ये सिख धर्म की मर्यादा है। जिन्हें महापुरुष सारे गुरु घर के जिन्हें भी इतिहासक स्थान ने उन्होंने सारे संत साधु महापुरख अरदास भी ना लेंदे आ समूह गुर तख्तां गुरद्वारियां झंडिया बुंगिया निशाना जी का ध्यान करके बोलना जी श्री इन्हां दी अरदास भी करदा सारा सिख जगत ते दर्शन ददारे भी करदे आ। इन्हां दे दर्शन ददारियां अरदास नाल पाप घटदे आ, पाप पुण वधदे आ, पवित्रता मिलती है। जिहड़े पासे भी जुड़ांगे ओहो जी दात प्राप्त होएगी। माड़े पासे माड़ियां चीज़ां ने, चंगे पासे चंगियां चीज़ां ने। ये गुरु साहब तो झोली अड़ के लवो, वध तो वध सिमन करके नाम जप के आपदा जन्म सफला करो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अयुनी सह भंग और प्रसाद जप आल सच जुगाल सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अयुनी सह भंग और प्रसाद जप आल सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अयुनी सह भंग और प्रसाद जप आल सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अयुनी सह भंग और प्रसाद जप आल सच जुगाल सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत सारी संग जपो सह भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु नानक साहब दी समाधि महापुरश जिस तरीके गुरु नूं पाउंदे आ ओ तरीका संगतां नूं दसदे। बाबा खेम सिंह जी महापुरख जा रहे सी दिल्ली नूं ते पाठियां नूं समत बिठाया सारियां नूं बुला के समत दित्ती। भाई आपस विच कट्ठे रहना लड़ना भिड़ना नहीं, ये पहली गुरसिखी का सुनेहा है कि जे तुसी गुरु दे मार्ग ते चलना है ना ते सिखां नाल भैणां भरावां नाल प्यार वधाओ। गुरसिखा इको प्यार गुरमिता पुत्ता भाई पाठी सिंघां नूं सारे सेवादारां नूं बिठा के कहिंदे भरावां वांगू प्यार दे नाल इत्थे रहना है, लड़ना भिड़ना नहीं। जे कोई वधीकी कर ले ते जर लिया जी, जरन वाला वड्डा हुंदा है, सहण वाला वड्डा हुंदा है, उहनूं फिर बहुत कुछ मिलदा है क्योंकि वह सहन कर रहे हैं। वड्डे तुसी तां नहीं कि जे कुछ दूजे नूं कुट दिओ आपदा दबदबा कर लो, वड्डे तां से निवेशो गौरा होई। कहिंदे ने तकड़ी दे विच दोनों पासे पा दिओ समान, जेड़ा समान भारा होएगा और निवेगा, जेड़ा हौला होएगा तां उह चढ़ेगा।
एक उन्होंने कहा निवेशो गौरा हो, जेड़ा शाबा थले न्यों गया है वह भारा है। दोनों के मुकाबले च असी जे नीवे होंने ना, दूजे अगे समझो असी भारे हाँ वजन वाले, ये घट वजन वाला है। गर्व करो इस चीज़ पर, नीवें सो गौरा, दोनों की जिद जदाई चल रही, दोनों का मुकाबला है, दोनों पासे समान पाया। पर जिधर का समान न्यों गया थले वो वध गिणिया गया, जिहड़ा उच्चा चढ़ गया वह घट। धर तराजू तोलीए, कहिंदे जो तराजू के तकड़ी विच तोली दा जिहड़ा पासा थले न्यों दा ए भारा वह भारा हुंदा है। जे तू इस तराजू संसार दे विच भैणा भरावां च संसार च तू नीवा होना है, तू इहदा माण रखी कि मैं अपने गुरु दे कोल उच्चा, तैनूं गुरु उच्चा ही करेगा। फिर दूजा बाबा कबीर जी समाध देंदे आ, कहिंदे एक पर एक घड़ा है भरिया होया, एक है खाली। कहिंदा खाली डोलदा फिरदा है, खाली नूं खड़काओ बोलदा है, भरे नूं भरा जिहड़ा वह हिलदा नहीं, भरिया घड़ा डोलदा नहीं, भरे नूं खड़काओ कुछ हैगा है ना। जिहड़ा भरिया होया है, कहत कबीर शूशा घट बोले, भरिया होए सो कबू ना डोले। जे तुहाडे अंदर सरमाया हैगा है, जे तुसी अंदरों भरे होए जे, तुसी घट बोलोगे, घट लड़ाई करोगे, घट सवाल जवाब करोगे, घट हिलो जुलोगे, घट भुड़कोगे। जे जिहड़ा खाली वह ज़्यादा टप्पेगा, उन्हूं समझो खाली। आपां संसार विच भरना है, खाली नहीं करना। जे तू भरना है फिर भरे घड़े वांगू अडोल रहे, भरे घड़े की आवाज़ नहीं, तेरी आवाज़ ना निकले। ये दो गुरु साहब ने सानू सिख्या दित्तियां है। पहलियां बाबा जी कहन लगे, भाई किसे ने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपस में वैर विरोध नहीं बधाउणा। ये जिहड़ी तुसी इत्थे भगती कर रहे जे, ये उहदे विच विघण है। संत मंडली इको ही बन के रहिंदी है, इको ही संत मंडली की आवाज़। अज किसानां दी जिते जो कट्ठे ने एक ने, जो तरह तरह दियां बोलियां बोलन ते उहनां दी हार है। जिहड़े परिवार इकट्ठा है, उस परिवार की बड़ी चढ़ती कला, बड़ी जय जयकार। जिन्ना च फुट पई हुई है, लोग उनका लाभ उठाते, लड़ाते, उन्हों का तमाशा वेखते। अपने परिवार का, अपने घरबार का तमाशा ना करी, आपके घरबार को संभाल के रखी। दूजी बा महापुरखा समाध दी भी कट्ठे रहना। दूसरा आपदे नेम नियमां नितनेम नाल करना, रौलां दी नितनेम ना छड्डियो, वेले समें नूं संभाल लियो, रौला जिहड़ियां लाउणियां ठीक है। ते तीसरा है कि जे तुसी गुरु साहब दियां रौला लाउणियां है ना, खंड पाठ करने आ, ते जदों भी लंगर पाणी प्रसाद छकणा, फिर रज के नहीं, भुख रख लैनी थोड़ी जी, घट खाना है, बाद नहीं खाना। जिन्हें नाम जपना है, जिन्हें अमृत वेले उठना है, जिन्हें गुरु नाले बुलाउणी, बहुता खाने वाले दे दिमाग सौ जाते हैं, बहुता खाना सुस्ती पाउंदा है, बहुता खाना नाम नहीं जपण दिंदा, बहुता खाना जिहड़ा विघने भगती च। बाबा जी ने फिर सब तो वड्डी गल उन्हां नूं कही कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते नूं किस नज़रिए देखणा है, आखो दसो भाई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं
किस नजरिए देखना, केड़ी अख नाल देखना कि गुरु ग्रंथ साहिब है। बड़ी छोटी गल है, गुरु ग्रंथ साहिब ये बड़ी छोटी चीज है। असी भुल गए, असी गुरु ग्रंथ साहिब पकारन लग पे। असी पलटा खा गए। गुरु ने तो ग्रंथ नू बनाया सी गुरु, आपा उस गुरु नू फिर ग्रंथ बना रहे कि ग्रंथ है ये, बीड़े विराजमान करो, खोलो, प्रकाश करो, लियाओ जाओ, ये कोई वड्डी गल नहीं। सतगुरु नू सब कोई देखदा, जेता जग संसार, डिठे मुक्त ना होवी जिच शब्द ना करे विचार। जे तुसी गुरु गोबिंद सिंह दी कही होई गल दा भेद नहीं समझोगे ना ते पिछे ही रह जाओगे। बाबा जी कहिंदे गुरु ग्रंथ साहिब नू गुरु नानक साहिब वाली अख नाल वेखना है, आखो इस नजरिए वेखना है कि गुरु नानक देव जी ने आखो से। बाबा जी ने जदों गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश हो गए ना तो फिर ये समझ लो कि गुरु नानक साहिब जी बैठ गए आणगे। फिर ना मन्नियो, फिर ग्रंथ करके ना रहा जी, ग्रंथ का डर नहीं, ग्रंथ ने कोई आखना नहीं, ग्रंथ ने बोलना नहीं, ग्रंथ ने कोई समझाना नहीं, गुरु नानक साहब ने सब कुछ देना है। इनू ग्रंथ की भावना नाल ना देखो, ये ग्रंथ नहीं, ये गुरु नानक साहब ने, ये गुरु है, ये भीड़ नहीं, ये प्रगट गुरां की देह है। जे असी पढ़ते नहीं तो की असी एवें पढ़ पढ़ के लोगों नू सुनाउणे आ, मनदे नहीं। पहला तो खालसा जी गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सीखण को हुक्म है। दसो किन्ने कु इहनू गुरु मन्नण वाले, गुरु गुरु करके गुरु नहीं बणदे। गुरु की प्रकाश प्रतख जोत नाल देखो। हरिमंदर साहब अंदर जाण वाला जिहड़ा भावना वाला सिख है, जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तां अगे भी हरिमंदर साहब च पाठ भी चलते आ, प्रकाश तां हैगी हुण, किहड़े पालकियां दे मोढ़िआं दे चक्क के किन्हां नूं आपां लै के चलदे। उन्हें धन गुरु रामदास जी प्रतख गुरु आखो सी। वाहिगुरु जी प्रतख भावना रखो। मथा गुरु ग्रंथ साहिब नू सिख टेकदा है हरिमंदर साहिब, आखदा धन गुरु रामदास, ड्योड़ी च मथा टेकदा धन गुरु रामदास। असी हुण साडा सुभाव बणिआ असी धन गुरु नानक ही कहिंदे आ सब जगह ते, उह साडी जबान ते चढ़िया होया धन गुरु नानक। पुजारी साहब सानू उत्थे असी धन गुरु नानक कहिंदे आ हजूर साहब, उह फिर सानू टोकदे आ धन गुरु गोबिंद सिंह कहो। असी कहा जी अंदरों असी गुरु गोबिंद सिंह ही देख रहे हां, पर साड़ी जबान ते गुरु नानक दा नाम चढ़िया होया। असी कहने धन गुरु नानक आ, पर असी धन गुरु गोबिंद सिंह जी देख रहे हैं, एको ही रूप है। हसन लग पे कि इत्थे जदों मत्था टेकण आण के ते क्या करो धन गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्हें समत दिती भी गुरु गोबिंद सिंह कलगियां वाले दे रूप च देखो, जिवें बाबा आनंद सिंह आए सी कि मैं गुरु गोबिंद सिंह जी नू मिलना है, उन्हां दे करने दर्शन, कलगीधर पातशाह दे दर्शनां दी तांग ते इच्छा लैके हजूर साहब गए सी।
बाबा अतर सिंह जी, बाबा आनंद सिंह जी। चलो अपने सवान ही धन गुरु नानक दे, पर उन्होंने जिवें आख्या गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गुरु नानक इको ही है, नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण गुर अवतार, जगमग जोत बिराज रही श्री अबचल नगर मजार। ये गुरु गोबिंद सिंह जी जेड़े आए गुरु नानक, नानक गुरु गोबिंद सिंह, ये नानकी। बाबा जी ने कहने पाठी कदी नहीं हार खाएगा, कदी नहीं मार खाएगा, कदी नहीं उन्हों घाटा पेगा, जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी नू गुरु नानक देख के मत्था टेकेगा, गुरु नानक समझ के मन के शीस नवाएगा, गुरु नानक साहब समझ के दर्शन करेगा, वो सिख कदी मार नहीं खाएगा। क्योंकि उन्हें कलगीधर पातशाह का वचन मान लिया है, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, बीड़ का नजरिया ना रख, ग्रंथ की निगाह ना रख, ग्रंथ करके ना मन। ये गुरु नानक साहब जी ने, ये धन गुरु नानक साहब जी ने, संगत गुरु नानक वाली, गुरु सब बैठे आ। जे आप मूल मंत्र पढ़ रहे हैं ना, इन्हू भुल्यो ना, इंदा एवें ना समझो कि जिमें कोई पाठी रागी ज्ञानी ध्यानी बैठे सानू पढ़ा रहे, असी पढ़ी जा रहे सारे। इन्हू ये निगाह नाल वेखियो कि साडे विच गुरु नानक साहब बैठे हुए, साढ़े विच बाबा आनंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। आखो सी वाहेगुरु, ये आसन ते गुरु ग्रंथ साहिब दा संघासन, ये नानक सर दी मुख मर्यादा। अपने गुरुआं पीरां महापुरखां दा आसन उन्हां दा पहरा है, ते संघासन गुरु ग्रंथ साहिब जी दा वह गुरु नानक साहिब दा। कहिंदे बाबा जी कहते गुरु नानक साहब जान के पै विच रहा जी, जदों बाणी पढ़ते हैं नानक सर मूँह बनते हैं। क्यों? जे खुद गुरु नानक साहब प्रतख बैठे हो तो असी मूँह ढक के गल करांगे, थुक्का नहीं सिटांगे, सच्चे पातशाह नाल करांगे गल्लां ते मूँह ढक के करांगे। तो ये गुरबाणी से जो सिख गुरु साहब की हजूरी बैठता है ना, गुरु नानक साहब नाल गल्लां करता है तो मूँह ढक के करनी है महाराज दे नाल। सेवा प्रकाश करने है तो समझना है, मैं महाराज दे इशनान करवा रहा, उन्हां नूं बस्त्र पहना रहा, गुरु नानक साहब जी की प्रतख सेवा कर रहा। भोग लवाउण वेले समझना है मैं गुरु नानक साहब नू प्रशादा छका रहा, दुध पिया रहा। आपदी भावना ते नज़र नू महापुरश कहिंदे ने, सही कर लाए रस्ता देंदे आ महापुरख। आओ सारे मूल मंत्र पढ़िए आपां गुरु नानक साहब दे नाल, धन बाबा आनंद सिंह जी दे नाल। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सै भंगुर प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै भंगुर प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै
गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सारे बोले करो भाई ओंकार सारे भाई भाई बोलो करता पुरख निरपो निर्वैरी अकाल मूर्ति अजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूर्ति अजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच दुविधा छड़ के एक रात आ जाना दुविधा नहीं रखनी एको ही आस एको ही भरोसा मन एक थां ते टिका के रखना महापुरखां ने समाधि दित्ती पाई इकट्ठे रहना दूसरी उन्हें समात रखी के मर्यादा का पालन करना है तीसरा उन्होंने कहा भी ये स्थान नहीं छड़ना आखो सी तुहानू सब कुछ इत्थे देंगे गुरु साहब सब कुछ इत्थों मिलेगा कोई कोई किवें आखे तुसी स्थान नहीं छड़ना ते चौथा महापुरखा ने कहा गुरु नानक साहब जान के मनना है गुरु ग्रंथ साहब जी ने यह गुरु नानक साहब है जेड़े जेड़े पाठी ने इस चीज़ पर पहरा दिता उन्हें सुख बन गए आनंद बन गए उन्दे रस्ते खुल गए बचन महापुरशा करना होंदा है मनना बंदे ने आम पर घाटे नहीं रहिंदे कोई मन मर्जियां जेड़ा मर्जी कर ले जोगी जति तभी पचहारे अरबों लोग सियाने कहिंदे जोगी भी बड़े जेड़े जोग साधना नाल हजारां सालां दियां समाधां लाउंदे सी हजारां अभ्यास करदे सी जति जेड़े जच पक्के रहे सन्यासी जिन्हां सन्यास ले लिया तभी जिन्हां तप कीते बड़े सियाने सियाने लोग ये पच के मार के बन हर की गत कोई हर की गत नहीं को जाने हरी दी गत कितों जान लोगे जे महापुरशां दे बन जोगे उन्होंने कहा स्थान नहीं छड़ना जी जिथे जुड़ गए नहीं कुछ मिलता पड़कियां दर्शन दारे सब थावां दे सत्कार सब जगह सेवा भावना सब जगह केंद्र ए थान नहीं छड़ना ते चौथा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जदों प्रकाश कर लें ते हजूरी च बैठे फिर गुरु नानक साहब का प्रकाश है आखो सी प्रकाश है प्रकाश गुरु नानक साहब का गुरु गोबिंद सिंह का पटना साहब प्रकाश होया बाबे नानक दा तलवंडी राय भोई दी प्रकाश होया ते साडे असी जदों गुरु साहब प्रकाश करदे हां साडे गुरु नानक साहब दा प्रकाश होया आखो वाहिगुरु गुरु नानक साहब बैठे आ बाबा जी कहिंदे इस भावना नाल देखना है इहनू देह नहीं समझना इहनू बीड़ नहीं समझना बाबे दी देह मनना है बाबे दी देह करके मनना इनू ग्रंथ नहीं समझना गुरु नानक जानना है किन्ना वड्डा रस्ता देता जे मन्ने कोई जे कोई पल्ले बन्ने मसले हल होंदे ठंड पैंदी है शांति आउंदी नितनेम च मन जुड़दा है गुरु साहब नज़र पाउंदे साडे ते सच खंड वसे निरंकार ये निरंकार बैठा है गुरु नानक साहब बाबा जी ने आख्या गुरु नानक साहब है तो फिर रब केड़ा है
रब केड़ा भाई रब किनू मनोगे ये गुरु नानक साहब ने सामने बैठे ते निरंकार केड़ा है ता बाबा जी ने फिर आप ही समा दिती कहिंदे पढ़ो धन गुरु नानक तू ही निरंकार आखो गुरु नानक साहब जी बैठे ने निरंकार अकाल पुरख बैठा है कौ नानक शौ कर में बैठा मेरे सोहे बंक द्वारे पढ़ो सारे सचखंड विच निरंकार वसदा कर कर वेखे नदर निहा सचखंड दे सचखंड विच निरंकार वसदा सचखंड विच निरंकार वसदा सचखंड विच निरंकार वसदा सचखंड विच निरंकार वसदा जी सचखंड विच निरंकार वसदा सचखंड विच निरंकार वसदा सचखंड विच निरंकार वसदा सचखंड विच निरंकार वसदा ओ कर कर वेखे नदर निहाल वसदा कर कर वेखे नदर निहाल वसदा सचखंड विच निरंकार वसदा सचखंड विच निरंकार वसदा कर कर वेखे नदर निहाल वसदा कर कर वेखे नदर निहाल वसदा सचखंड विच निरंकार वसदा सचखंड विच निरंकार वसदा कर कर वेखे नदर निहाल वसदा कर वेखे नदर निहाल वसदा जी सचखंड विच निरंकार वसदा सचखंड विच निरंकार वसदा हुक्मनामा होएगा ते सुखमनी साहब का पाठ सारी संगत ने करना है अगे भी आप बहुत देर इतने करते रहे गोरा पेंदे च कक्कर पेंदे च इशनान वहीं करके आयो जिन्ना कर लिया ठीक है बीबिया ने भाइया सुखमनी साहब का पाठ करना है जपजी साहब के होंदे आंदे इशनान करके आ जाओ तो कीर्तन वाल ने कीर्तन में आना है सारे ने पंज साढ़े पंज बजे सुखमनी साहब वाली संगत ने सारी ने हुण सुखमनी साहब का पाठ करना है।